हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। मैं मोहन मोबाइल्स प्लस नागपुर से आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आया दोस्तों। देख पा रहे दोस्तों, अब यहाँ पे मैकेनिक का एक हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये स्पेशली माइक्रो सोल्डरिंग स्टेशन है दोस्तों। एक टाइप की आयरन इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे इसका एप्लीकेशन आपको दोस्तों बताऊंगा वीडियो में सामने चल के कि इसका क्या एप्लीकेशन है। पर ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है डे बाय डे जो हम माइक्रो वर्क कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बारीक वर्क जो हम करते हैं वो एकदम प्रिसाइज, एकदम परफेक्शन के साथ में आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये माइक्रो मैकेनिक ब्रांड का आपको ये आएगा 4-in-1 एक है इसके अंदर में। फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आपका टाइम सेव करते हुए आपको वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी डिजाइन जो है, इस टाइप की डिजाइन क्यों है, उसका यूज क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आयरन जो है फिक्स कर सकते हैं, कोई भी एक हमारी आयरन जो है फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम फिक्स कर सकते हैं, इसका नॉब दी हुई है इसको टाइट करने के लिए। देख सकते दोस्तों, एलेंकी नट दिया हुआ है और ये हमारे पास एक एलेंकी है जिसकी हेल्प से आप इसके नट्स को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक फीचर यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। काफी बार हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आती है कि जो हमारे जो ये एलसीडी कनेक्टर वगैरह जो होते हैं दोस्तों, जो बहुत ही नाजुक होते हैं, ये एलसीडी कनेक्टर वगैरह जो होते हैं हमारे, स्पेशली एंड्रॉइड के हो गए, आईफोन के हो गए, आईफोन के बहुत सारे फ्लेक्स के जो होते हैं वो ये कनेक्टर डैमेज होते हैं काफी बार दोस्तों टेक्नीशियन के हाथों से रिपेयर करते समय। तो हमें इसके लिए पूरे फोन को डिसअसेंबल करना होता है, स्क्रीन को बाहर निकालना होता है ये पर्टिकुलर ये चीज को रिपेयर करने के लिए। तो बिना वो सब चीज किए हुए और एक्सटर्नली हॉट गन की मदद से निकालने की वजह से भी काफी बार स्क्रीन खराब हो सकती है, पत्ते खराब हो सकते हैं हीट की वजह से। तो हम इस टूल की वजह से बिना किसी नुकसान के इस काम को रिपेयर कर सकते हैं। इसका मेन एप्लीकेशन प्रॉपर यही काम के लिए दोस्तों है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आपका टाइम ना लेते हुए ज्यादा मैं आपको इसका फीचर दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने एक स्पेशली एक आयरन जो है यहाँ पे फिक्स की हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेंकी के स्क्रू है जिसमें अलग अलग होल्स दिए हुए कि ताकि कोई भी आप आयरन जो है यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम जो है अभी इस फ्लेक्स को जो है यूज करके दिखाऊंगा दोस्तों कि मैं इसको किस तरीके से रिमूव करता हूँ। ये देखिए, देख सकते दोस्तों, मैं माइक्रोस्कोप में आपको इसका व्यू देना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इसे। तो देख पा रहे दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे इस हमारे जो एलसीडी का जो पत्ता है हमारा, मैंने इसे यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, मैंने इस पे रखा हुआ है मैंने। अब मैंने इसे हीट होने देना है और मैं थोड़ा यहाँ पे जो हमारा जो ये है फ्लक्स है वो इसे यहाँ पे यूज करूंगा दोस्तों कि ताकि ये जो है इजिली अनमाउंट हो यहाँ से। और इजिली मैं इसे यहाँ पे दोस्तों माउंट भी करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको। ये क्या होता है दोस्तों, इसका जो मेन एप्लीकेशन है, मेन जो इसका वर्क है, ये इक्वली हीट को स्प्रेड करता है आपके पूरे कनेक्टर पे, जिसकी वजह से आपका कनेक्टर जलेगा नहीं, कहीं से भी डैमेज भी नहीं होगा और इजीली आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो देख पा रहे दोस्तों, आप यहाँ पे जो हीट है इसकी, इसके पूरे देख पा रहे दोस्तों आप। तो जो मैं अभी इसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश करूंगा, देख पा रहे अभी ये जो है हीट हो रहा है, मैं थोड़ा और इक्वली हीट होने दूंगा। ये जो चीज आप हॉट गन की मदद से करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा नुकसान ये हो सकता है कि पत्ता डैमेज हो सकता है या फिर जिस एरिया में आप हीट को यूज कर रहे हैं स्पेशली एलसीडी के लिए, तो आपको एलसीडी निकालनी पड़ती है, तो काफी बार वो बहुत हमारा टाइम वेस्ट होता है उसके चक्कर में। और काफी बार अगर हम डायरेक्टली भी करने जाते हैं तो उसके चक्कर में हम दूसरे किसी काम को भी नुकसान कर बैठते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको वो चीज यहाँ पे बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिलेगी। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे आप कि मैं कितना इजीली जो है इसे यहाँ से जगह से इसके रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल भी आपका जो कनेक्टर है दोस्तों यहाँ जो है डैमेज नहीं होगा। देख पा रहे दोस्तों, मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है इस कनेक्टर को निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। ये देख सकते दोस्तों, हमारा कनेक्टर जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सेफ
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सेफ, कहीं भी आपको ये बर्न हुआ नहीं दिखेगा दोस्तों, ना ही आपको इसकी एक भी जो ट्रैक्स है वो खराब हुई हुई आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इसी तरीके से आप जो है दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर मुझे इसे माउंट करना है वहाँ पे मेन फ्लेक्स पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा पेस्ट लगा दूँ पहले दोस्तों, फ्लक्स लगा दूँ पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं जो है इसे अगेन इसकी पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन पे अलाइन करूँगा दोस्तों, कि ताकि ये वहाँ पे फिक्स हो जाए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 चीज़ों का यूज़ ज़्यादा लगेगा, मेनली शार्प ट्वीज़र्स और आपका प्रिसीजन और आपके हैंड स्किल्स। इन सब कामों से और इन सब टूल से दोस्तों आपकी हैंड स्किल भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है दोस्तों। आप जितना टूल्स को अपडेट करेंगे उतना आप अपनी रिपेयरिंग को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं जाके सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, रिपेयरिंग जो है आपके हैंड स्किल्स पे होती है दोस्तों। तो देख पा रहे दोस्तों मैंने इसे हमारे ओरिजिनल पोजिशन पर जो है फिक्स कर दिया है, आपको यहाँ पे कोई एडिशनल वर्क एडिशनल कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख सकते दोस्तों अब यहाँ पे आपने इसे जैसे फिक्स कर दिया, आपको बस इसे छोड़ देना है वैसे ही। देखिए दोस्तों अब जो है ये इक्वली जो है ये फिक्स हो गया है। अब मैं फ्लेक्स को धीरे से जो है यहाँ पे उठा लूँगा दोस्तों इस पे से, यानी कम वॉल पे से थोड़ा सा मैं रोटेट करने की कोशिश करूँगा इसको ऐसे, कि ताकि इक्वली जो है हीट सभी बॉल्स को लग जाए, ताकि हमें एक्सटर्नली भाई किसी भी लेग को आयरन से शार्प करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसे थोड़ा सूखने के मतलब ड्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ, कि ताकि ड्राई हो जाए। अब मैं इसे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप, अब मैंने इसे क्लीन कर चुका हूँ बिल्कुल भी बिल्कुल सही तरीके से, और अब मैं इसे जो है यहाँ पे वाइट पेट्रोल अपना क्लीनर की मदद से, किसी भी क्लीनर की मदद से इसे मैं क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ फ्लक्स को हमारे। और मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हमारा जो है फिक्स हुआ है प्रॉपर, कोई बोल नहीं सकता कि आपने इसे निकाल के इसे अगेन वहाँ पे फिक्स किया हुआ है दोस्तों। देख पा रहे दोस्तों मैं आपको एक इसका साइड व्यू देना चाहूँगा दोस्तों, कि ताकि कैसा रिबॉल हुआ है आपको दिख पाएंगे, आप समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों कैसे रिबॉल हुआ है, इक्वली ये जो है आपका कनेक्टर निकल के रिवॉल्व हुआ है, लगेगा ही नहीं आपने इसे यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से इसे अनमाउंट किया था और अगेन इसको माउंट किया करके। देख पा रहे दोस्तों बिना किसी फ्लेक्स को डैमेज किए हुए, देखिए दोस्तों बिना कोई फ्लेक्स बर्न किए हुए, देखिए दोस्तों यहाँ ना फ्लेक्स फ्लेक्स बर्न हुआ है ना मुड़ने उड़ने से टूटा हुआ डैमेज हुआ है। तो इस काम के लिए मेनली आप इस जो टूल को है यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये टूल जो है आपको हमारे स्टोर्स पे कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको हमारे स्टोर पे दोनों टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक हनीकॉम डिज़ाइन में आपको मैकेनिक ब्रांड का मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉक्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ में आपको एक एलन की मिलेगी बिल्कुल, जिसकी मदद से आप इसे ओपन वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको रिलाइफ का भी दोस्तों यहाँ पे टूल मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देख पा रहे दोस्तों अभी मैं जो है इसे ये करके दिखा देता हूँ आपको कैसे हम इसे ये करेंगे। मैंने जो है अभी इसे यहाँ पे दोस्तों इसकी मदद से जो है यहाँ पे अभी इसे खोल देता हूँ, कि ताकि हम आयरन भी यहाँ से इजीली रिमूव कर सके। तो यहाँ पे मतलब मेनली ऐसा है कि आप कोई भी आयरन को यहाँ पे जो है फिक्स कर सकते हैं आपके यूज करने के लिए। ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आप हमारे स्टोर पे विजिट कीजिए दोस्तों, और इसी तरीके से नए नए प्रोडक्ट और नए नए टूल्स से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे टेलीग्राम नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों।